कैसी हो? हाँ, अरे आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ, आज हमें मिले हुए पूरा 1 साल जो हुआ है। हाँ, अरे टाइम पर पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, आई लव यू टू। चलो बाय। सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाह, थैंक यू। वेट, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह, वॉच? यस। नाइस। इट्स प्राइसलेस, स्पेशल फॉर मी। मैं दादा की है। ओह, आई लव इट। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Will you marry me? Are you serious? Yes. Yes. सुनो ना। हाँ बोलो। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो सुना है तुम्हारा जो नया प्रोजेक्ट है, जो कोल से लेकर उसके बनाने का, वो बहुत एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। देखो मेरी बात सुनो, जो मेरी फैक्ट्री है उसके आसपास के जो 30 किसान हैं, उनको मैंने जमीन दी और खूब सारे पैसे भी दिए। वो लोग अभी जहाँ भी है इधर से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और मेरी खुद की फैक्ट्री में 70 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। मैं उन सबको रोजगार देता हूँ, और इन सब के अलावा मेरे पास गवर्नमेंट की परमिशन है, तो एनजीओ वगैरह ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पापसी, दरवाजा बंद करिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो विक्रम? अरे कुछ नहीं, सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ। लेकिन पानी लेने के लिए बाहर क्यों जाना है? वेट जस्ट मिनट, कुछ हुआ है विक्रम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। सच में?
करोगे ये सब? आपने ना तब अपनी गलती मानी थी और ना आज अपनी गलती मान रहे हो पापा। आपने पैसों के चक्कर में इतने सारे फैक्ट्रीज को खोल ली, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ली, लेकिन इन सब की आड़ में आप एक चीज भूल गए पापा, कि इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, बिजली नहीं। सारा अनाज ये एसिड रेन और पोल्यूटेड वाटर की वजह से खराब हो गया। अब जीने के लिए सिर्फ ये आलू और एनर्जी ड्रिंक्स के अलावा कुछ नहीं बचा है पापा। 40% लोग मर चुके हैं पापा इस खाने की वजह से और इस गंदे पानी की वजह से। इतनी बीमारियां फैली जिसके कारण अब सिर्फ AI बेस्ड रोबोट ही बचे। चले जाइए पापा, चले जाइए। आप जीने के तो क्या, मरने के भी लायक नहीं है। हेलो मिस्टर विक्रमादित्य। क्या मैं आपको जानता हूँ? आप मुझे कैसे जानते हो? मतलब मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? शांत विक्रम, मैं थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन? फॉर रियल? मैं समझाता हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा और टेस्ला का झगड़ा हुआ था। हाँ। उसके बाद मैंने उनकी सारी रिसर्च ले ली, उसके साथ मुझे कीमती घड़ी मिली जिससे हम टाइम के आगे और पीछे दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने सोचा अगर ये घड़ी मेरे पास है तो मैं भगवान बन जाऊंगा, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मैं ही रहूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मुझसे और मेरी कंपनी से भी ज्यादा प्रॉब्लम है इस दुनिया में। तुम जो आज देख चुके हो मैं वो 100 बार देख चुका हूं। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाया। फिर मुझे पता लगा कि उसे सिर्फ एक ही जन बदल सकता है, वो हो तुम। तुम विक्रमादित्य, तुम। मतलब मैं क्या करूं? अब वो तुम्हारे हाथ में है। ये घड़ी जो तुमने पहन रखी है ये वही टेस्ला की घड़ी है जिसे मैंने तुम तक पहुंचाई है। हाँ, मैं वही था जब यह घड़ी तुम्हारे तक पहुंची। अब फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। टाइम टू गो मिस्टर विक्रमादित्य। विक्रम, विक्रम। सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं अपनी जो ये नई फैक्ट्री है ना, जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उसे बंद कर देता हूँ और उसकी जगह सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाता हूँ। और साथ में हम क्या करके एग्रीकल्चर है ना, उनके लिए भी इक्विपमेंट के लिए भी एक फैक्ट्री डालेंगे। अच्छा। कैसा आइडिया है? ख्याल तो अच्छा है। क्या कोई सपना आया था? शायद।